हाय, मैं विकास बात कर रहा हूँ निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बियॉन्ड 2.0 जो हमारा नया मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रेडिंग के लिए, उसमें वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें स्क्रिप्ट ऐड कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं और ऑर्डर बुक कैसे रेफर करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बियॉन्ड की ओर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बियॉन्ड मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसमें आपको नया वॉच लिस्ट बनाना है, तो जो ये मेनू आर्क जो है यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको। उसमें आप ट्रेडिंग ऑप्शन जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ट्रेडिंग ऑप्शन में जाते ही आपको सामने एक कुछ स्क्रिप्ट ऐड दिखी हुई है। तो ये जो माई स्टॉक आप देख पा रहे हो, एक वॉच लिस्ट है, यानी जो भी स्टॉक आपके अकाउंट में है वो सब स्क्रिप्ट आपको माई स्टॉक जो वॉच लिस्ट इसमें दिखेंगे। ये सारे आप स्क्रिप्ट देख पा रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट है इस अकाउंट में ऑलरेडी है, होल्डिंग में है इसे, इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आप इस पर क्लिक करोगे माई स्टॉक पे, तो यहाँ पे आपको माई वॉच लिस्ट और डिफ़ॉल्ट ये दो ऑप्शन दिखेंगे। माई वॉच लिस्ट यानी जो वॉच लिस्ट आपने खुद क्रिएट की हुई है वो वॉच लिस्ट है, और डिफ़ॉल्ट जो वॉच लिस्ट है वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जो इनबिल्ट दी हुई है। तो वहाँ वॉच लिस्ट में आप देख पाओ यहाँ पे NAC, NB, टेस्ट टेस्ट टू, ऐसे सब वॉच लिस्ट जो क्रिएटेड वॉच लिस्ट है, जो यूज़र ने खुद क्रिएट की हुई है, ये सब वॉच लिस्ट है। तो हम देखेंगे कि नया वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉच लिस्ट 5, यहाँ पे आपको आपके नया वॉच लिस्ट जो आप बनाने जा रहे हो उसका आपको नाम देना है। तो आज मैं विकास नाम से एक वॉच लिस्ट बना रहा हूँ, विकास मैंने नाम दिया, और क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये नया वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगा विकास के नाम के। अभी आप देख रहे हो विकास के वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट हमने ऐड किया नहीं है इस वॉच लिस्ट में। तो अभी मैं यहाँ पे नया एक स्क्रिप्ट ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड न्यू स्क्रिप्ट, और ये जो विंडो देख रहे हो यहाँ पे आपको आप जो नया वॉच स्क्रिप्ट ऐड करना है उसका आपको नाम देना है। तो सपोज़ मैं ACC ये नाम दे रहा हूँ, तो ACC नाम के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। इस स्क्रिप्ट के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो स्क्रिप्ट विकास के वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ACC लिमिटेड का जो ये स्क्रिप्ट है NSE इक्विटी का, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट इस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो इसमें इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे मैसेज आएगा आपको कि स्क्रिप्ट एडेड सक्सेसफुली टू द वॉच लिस्ट विकास। तो ये विंडो क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, मैं विंडो क्लोज करूँगा तो आप देख पा रहे हो NSE इक्विटी का जो स्क्रिप्ट है वो विकास वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है। इसी वीडियो में अभी आपको और स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, बाजू में माइनस का सिंबल है। तो मैं प्लस के सिंबल पे क्लिक करूँगा तो फिर से ओपन हो जाएगा विंडो। यहाँ पे मुझे नया एक स्क्रिप्ट ऐड करना है, सपोज़ मैं नाम देता हूँ टाटा। तो टाटा नाम से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट है आपको यहाँ पे दिखेंगी उस पर आप क्लिक करोगे तो विकास वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS NSE इक्विटी, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नीचे तुरंत आपको मैसेज आएगा स्क्रिप्ट एडेड सक्सेसफुली टू वॉच लिस्ट विकास। ये विंडो में क्लोज करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे TCS का स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। मुझे फिर से और कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नाम दे के, नाम टाइप करके ये ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ रिलायंस इंडस्ट्री इन्फा का मुझे स्क्रिप्ट ऐड करना है तो स्क्रिप्ट ऐड हो गया। ऐसे ही करके आपके चॉइस का कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो जितने भी स्क्रिप्ट मैंने ऐड किए यहाँ पे इस वॉच लिस्ट में आपको दिख रही है। सब कुछ इन केस आपको कोई स्क्रिप्ट इसमें इस वॉच लिस्ट में से डिलीट करना है तो सेम वे जैसे आपने ऐड किया वहाँ से ही आपको ये जो माइनस का जो ऑप्शन है यानी स्किप डिलीट का ऑप्शन है वहाँ उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ये जो सिंबल दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो वो वॉच लिस्ट आपके वो स्क्रिप्ट आपके वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला जो वॉच लिस्ट स्क्रिप्ट है वो मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये मुझे डिलीट करने के लिए मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप सेव का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। तो मैं एस करूँगा तो वो जो स्क्रिप्ट है वो इस वॉच लिस्ट से डिलीट हो जाएगी।
सपोज आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट डिलीट करने हैं तो आपको वन बाय वन उस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जैसे आप सेव का बटन दबाओगे तो वो स्क्रिप्ट्स इस वॉचर से डिलीट हो जाएंगी। तो मैं अंडू कर रहा हूँ ये चेंजेस, मुझे अभी ये फ़िलहाल के लिए नहीं डिलीट करनी है, तो मैं वैसे ही रख रहा हूँ। और मैं वापस में इस वॉच लिस्ट में एंटर किया। सपोज़ अभी आप एक वॉच लिस्ट में हो, विकास वॉच लिस्ट में आप हो, और आपको दूसरे वॉच लिस्ट में जाना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं कोई एक वॉच लिस्ट पे ऐड करूँगा, क्लिक करूँगा तो उस वॉच लिस्ट में मैं आ जाऊँगा। तो मैं NSE वाले जो वॉच लिस्ट हमने बनाया उसमें मैं एंट्री किया है। सेम वे मैं दूसरे वॉच लिस्ट में स्विच करो। तो ऐसे करके आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, उसमें स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, स्क्रिप्ट डिलीट कर सकते हो। स्क्रिप्ट एडिशन और स्क्रिप्ट डिलीशन का और भी एक ऑप्शन है। ये भी हमने यहाँ पे मेन्यू आर्क में जाके हमने ये चेंजेस किए हैं। स्क्रिप्ट ऐड की है, स्क्रिप्ट डिलीट की है, वॉच लिस्ट ऐड की है। वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट आप होम स्क्रीन पे हो तो यहाँ पे जो सिंबल लुकअप का एक आइकॉन दिया हुआ है वहाँ से भी आप नए स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, नया वॉच लिस्ट यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप होम स्क्रीन पे हो और आपको नया वॉच लिस्ट बनाया है तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंबल सर्च में जाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट सर्च के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट आपको दिख रही है उसमें से कोई भी आप स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नया कोई स्क्रिप्ट आप ले सकते हो। तो ये इस रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्क्रिप्ट, पहला जो स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऐड टू वॉच लिस्ट। यहाँ पे सब वॉच लिस्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड वो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी वॉच लिस्ट में मुझे स्क्रिप्ट ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट का नाम दूंगा। यहाँ पे मैं सपोज मैंने REL करके एक नया वॉच लिस्ट का नाम दिया है। जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये नया वॉच लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मैं अगर कोई ओके करूँगा तो ये जो रिलायंस का स्क्रिप्ट मैंने सर्च किया था वो वहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर हम चलो हम देखते हैं, यहाँ पे मेनू आर्क में हम जाते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग ऑप्शन में यहाँ पे टेस्ट 11, यहाँ पे मैं स्विच करूँगा जो मैंने नया वॉच लिस्ट बनाया है रिलायंस, उसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो रिलायंस वाला जो स्क्रिप्ट जो नए वाले वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अगर आप होम स्क्रीन पे हो तो वहाँ से भी आप नया वॉच लिस्ट बना सकते हो, उसमें नए स्क्रिप्ट ऐड कर सकते। अभी हम देखेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शंस के स्क्रिप्ट कैसे आपको सर्च करने हैं। तो सिंपल है, आपको स्क्रिप्ट का नाम देना है TCS। सपोज फ्यूचर का स्क्रिप्ट आपको ऐड करना है तो मैं F टाइप करूँगा यहाँ पे और एंटर करूँगा। तो TCS फ्यूचर्स के जो स्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब TCS फ्यूचर्स के, ये 27 फरवरी उस चीज़ का एक्सपायरी है, 26 मार्च। अगर आपको TCS के ऑप्शंस के, नहीं तो दूसरे कोई ऑप्शन के आपको स्क्रिप्ट सर्च करना है, सपोज मैं ACC जो स्क्रिप्ट है उसमें ऑप्शन का स्क्रिप्ट मुझे सर्च करना है, तो मैं ACC स्पेस दे के O दबाऊँगा और इंटर करूँगा। तो ACC के जो ऑप्शन के स्क्रिप्ट हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे आप वो इस पर एक डेट भी डाल सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे 27 फेब डालूँगा, तो 27 फेब्रुआरी के जो से भी स्क्रिप्ट है विद देयर प्राइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन के अगर आपको स्विच करना है तो सिंबल का नाम डालो, स्क्रिप्ट का नाम डालो, स्पेस दे के आगे फ्यूचर अगर है तो F टाइप करो, स्पेस दो, डेट डालो और इंटर करो, तो वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको दिखेगा। ऑप्शन का है तो स्क्रिप्ट का नाम दो, स्पेस दे के ऑप्शन के लिए और प्रेस करो, फिर स्पेस दो और आगे आपका जो डेट है पर्टिकुलर वो डेट डाल के आप सर्च कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसी तरह से आप फ्यूचर ऑप्शन के स्क्रिप्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है, नया वॉचलिस्ट कैसे क्रिएट करना है। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और ऑर्डर बुक कैसे रेफर करना है। तो चलिए हम चलते एक ऑर्डर हम प्लेस करके देखेंगे। यहाँ पे ये आइडिया का जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में मैं ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। तो आइडिया पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आइडिया का, आइडिया जो स्क्रिप्ट है उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा इस पेज पे।
यहाँ पे इस डिटेल्स आएंगे, ईटी ओपन कितने में हुआ है, प्रीवियस क्लोज कितने में है, कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्क्रिप्ट के बारे में, इसके न्यूज़ पूरे आपको यहाँ पे दिखेंगे न्यूज़ एट ग्लांस में, देन कंपनी का ओवरव्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहे हो तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो सब पढ़ के वो एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं करना है, करना है तो कितने क्वांटिटी का करना है। तो इस पेज पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का देख के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो अभी मुझे ये आइडिया का स्क्रिप्ट बाय करने जा रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपको ये मार्जिन में बाई करना है स्क्रिप्ट की डिलीवर में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको मार्जिन में करना है तो मार्जिन सिलेक्ट करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना क्वांटिटी है मैं वहाँ पे प्लेस करूँगा। सपोज मैं 5 क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, 5 क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट किया और मैं बाय कंफर्म पे जैसे भी क्लिक करूँगा, मैं बाय कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑप्शन आएगा मैं यहाँ पे स्वाइप करके, राइट हैंड स्वाइप करके कंफर्म कर सकता हूँ, नहीं तो ये जो सिंबल है उस पर क्लिक करके मैं भी ऑर्डर कंफर्म कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, ऐसे ऑप्शन आया। और ट्रैक माई ऑर्डर का ही नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप ऑर्डर बुक में आप इंटर करोगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑर्डर बुक आप पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स आपके कितने हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर कितने हैं और अदर्स, अदर्स यानी जो ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं और इसका इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही आप ट्रैक में ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऑर्डर बुक का पेज है ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, मैं भी दूसरा एक स्क्रिप्ट आप बाय और सेल करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो टाटा पावर का स्क्रिप्ट है उसमें मैं एक ट्रेड करने जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा मुझे मार्जिन में ऑर्डर प्लेस करना है या डिलीवरी प्लेस करना है। मैं डिलीवरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो कि मैं 1 रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका प्राइस चेंज करूँगा। यहाँ पे सपोज मैं प्राइस इसका डाल रहा हूँ 52.90 पैसे, और यहाँ पे मैं बाय कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बाय कंफर्म में भी क्लिक करूँगा, स्वाइप करूँगा, यहाँ पे ये ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली ट्रैक माई ऑर्डर। मैं अगर ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वापस वही स्क्रिप्ट में जाऊँगा, तो मैं वॉचेस में आया। सपोज अभी आपको चेक करना है कि ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं, एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, वो आपको चेक करना है, तो आप जो ऑर्डर बुक है, जो होम स्क्रीन पे हमारा जो ऑर्डर बुक है, मैं होम पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑर्डर बुक का सी सिंबल दिया हुआ है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सपोज ओपन में मैंने क्लिक किया तो ओपन में मुझे 3 ऑर्डर दिख रहे हैं। तो अभी जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था टाटा पावर का 52.90 पैसे में, ये यहाँ पे पेंडिंग में दिख रहा है क्योंकि ये रेट अभी तक मार्केट में आया नहीं है, तो इसके लिए पेंडिंग में ऑर्डर है। जैसे ये रेट पे और ये रेट आएगा मार्केट में, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाजू में जो है एग्जीक्यूट ऑर्डर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने आज 2 ऑर्डर प्लेस किए जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं आईडिया के, और 10 में ये जो ऑप्शंस, ये जो मैंने कुछ स्क्रिप्ट बाय करने के लिए मैंने ट्राई किया था लेकिन ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। इस पर आप क्लिक करोगे तो पूरा रिजेक्शन का आपको रीज़न के साथ आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो रीज़न मार्जिन लिमिट, यानी जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया है वो रिजेक्ट मार्जिन लिमिट किया, यानी मेरे पास मेरे अकाउंट में उतना मार्जिन नहीं था इसके लिए ऑर्डर ये रिजेक्ट हुआ है। एक्सीडेड सेट यानी मेरा 388 का लिमिट था यहाँ पे और मैंने ऑर्डर प्लेस किया 72,000 का, इसके लिए रिजेक्ट हुआ है। तो ऑर्डर बुक में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके ऑर्डर जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जितने भी पेंडिंग में है, जितने रिजेक्ट हो चुके हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ऑर्डर बुक का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे भी है, आप मेनू आर्क में जाओगे तो वहाँ पे भी ये जो एनवलप का सिंबल है वहाँ पे अभी आप क्लिक करोगे तो को मैसेज अब मिलेगा, मैसेज अब में सब ऑर्डर्स आपके यहाँ पे
देख पा रहे हो ऑर्डर मैसेज जो है यहाँ पे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जितने भी आपके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, पेंडिंग में है, ये सब ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्डर मैसेजेस में मिल जाएंगे। तो मैं बैक आ रहा हूँ, तो होम स्क्रीन पे भी ऑप्शन है और आपको ये ऑप्शन मेनू के जो आर्क है वहाँ पे भी आपको आपके ऑर्डर के मैसेज अप में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आप ऑर्डर बुक में अभी मैं हूँ और ऑर्डर बुक में जो तीन डॉट का एक आइकॉन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रेड बुक, नेट पोजिशन और होल्डिंग्स ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेट पोजिशन में जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके आज के जो पोजिशंस खड़े हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये टुडे से और ये ओवरऑल ओवरऑल में यानी सब आपको पोजिशन आपको दिखेंगे टुडे से और ओवरऑल जो ऑप्शन है नेट पोजिशन। यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो, आपको ऑर्डर बुक में जाना है, ट्रेड बुक में जाना है, यहाँ से ही सब ऑप्शन आपको अवेलेबल है। होल्डिंग में जाऊँगा तो मेरे पास क्या क्या होल्डिंग है, कौन से स्क्रिप्ट मेरे होल्डिंग में है, ये सब ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑर्डर बुक में ही ऑर्डर बुक में जाके ही आप बाकी सब पेजेस एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा होम स्क्रीन पे, ये मेरा होम स्क्रीन है।